पहले रो और थंग था। रो का मतलब लाश और थंग का मतलब मैदान, लाशों का मैदान। तो वहाँ पर बहुतों की मौत हुई। गाड़ी अपनी खड़ी है, वो सामने बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब मौसम जो पूरा पूरी तरह मौसम हो रखा है, जम चुकी है बर्फ। ये अपना होम स्टे, ये देखो बर्फ। अरे ले लो। अब इधर स्नो और चाय। स्नोफॉल के बाद बारिश हुई और बारिश के बाद अब धूप चढ़ रही है। मैं वो रोहतांग का एरिया बातल ग्रम्फू साइड पर रोड जाता, कल हम वहाँ से आए थे। थोड़ा सा मौसम और क्लियर हुआ तो सिसु की तरफ जाके आएंगे। तो शाम के 5 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोकसर। ऊपर रोहतांग पास हम रुके थे रात कोकसर में। तो इस टाइम यहाँ पे स्नो फॉल हो रही, मौसम बहुत बढ़िया हुआ, ठंड है पूरी। वो ऊपर एक झरना गिर रहा है, बेटा आ गया। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। ये नीचे एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जा रहे हैं हम। ब्रेकफास्ट वहाँ करना था, लेकिन परांठे वगैरह हम वहाँ से लेके रूम में बैठ के खाएंगे। उसके बाद तैयार होकर रेडी होके फ्रेश होके फिर आगे चलेंगे। फिलहाल चलते हैं वहाँ, ब्रेकफास्ट लेने जा रहे हैं नीचे, क्योंकि होम स्टे में कोई यहाँ पे किचन वगैरह नहीं है। तो अभी स्नो पूरी ज़ोर से पड़नी शुरू हो गई है। कैमरा भी बचाया हुआ है, इधर आ जाओ। PWD का भी आया था, लिंक कर दो। हाँ हाँ हाँ, ये अंदर घुसगी, ये सारी पीछे बर्फ ही पड़ रही है। चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो बर्फ पड़ गई है। हाँ, बर्फ आ गई। नहीं नहीं, आपके गांव मतलब वहाँ पे बर्फ पड़ जाती है नेपाल में? नेपाल में पड़ता है। अच्छा, इतना ज्यादा नहीं पड़े। फिर वो क्या करते हैं वहाँ पे? वहाँ पर बैठना, खाना, चाय पीना। अच्छा, चाय पीना। मैं चलो बच्चों को दिखा दे बर्फ कैसे पड़ती है ना। हर, क्योंकि जो शहरों में रहते हैं बच्चे, उनको बहुत होता है ना। हाँ जी। हाँ जी। कब कब शुरू किया था ये काम आपने? इस साल? ये साल मई में। मई में? अच्छा, मई से लेके नवम्बर तक। अब उसके बाद गाँव? हम रात भी हमने डिनर यहाँ पे किया था, तो अभी भी ब्रेकफास्ट यहाँ पे, लंच भी दोपहर को इनके पास, और आज फिर डिनर इनके पास। सुबह कल फिर ब्रेकफास्ट करके फिर चलेंगे इनके पास। तो काफ़ी अच्छा खाना था, रात भी घर जैसा खाना था। अभी हमारे वो परौठे वगैरह तैयार हो रहे हैं, रूम में लेके जाएंगे, वहीं पे खाएंगे और सारे इंजॉय करेंगे। हम परौठे लेने आए थे यहाँ पे नीचे, होम स्टे हमारा ऊपर है। तो ये स्नोफॉल हो रही है पूरी स्पीड से, आज मौसम बहुत बढ़िया हुआ। तो आज हमने वैसे चंडीगढ़ के लिए या प्रासर लेक और रवालसर के लिए जाना था, आज हम प्रोग्राम कैंसिल करके एक दिन और रुकेंगे यहाँ पे, क्योंकि आज मौसम ऑसम हो रखा है। तो आपको आज सारा दिन यहीं पे इंजॉय करवाएंगे। आगे भी देखते हैं, अगर और हुआ तो थोड़ी देर बाद सिसु चलेंगे, सिसु विजिट करके फिर कोकसर आ जाएंगे, यहीं पर रुकेंगे फिर। अभी फ़िलहाल ये हैवी स्नोफॉल शायद इस मौसम की फर्स्ट है यहाँ पे कोकसर में, सिसु में। ऊपर पीक पे तो पड़ती रहती है, पीक पे तो बहुत ज़्यादा हो रही है ऊपर। अभी थोड़ी देर तक जब थोड़ा सा मौसम क्लियर होगा फिर मैं दिखाऊंगा कि पीक पे कितनी बर्फ पड़ी हुई है।
चाय की केटल, परौंठे पहले रूम में चले गए, अब बैठ के ये जमने शुरू होगी अब बर्फ। तो मैं सॉक्स भी नहीं डाल के, जराबे भी नहीं डाल के, ऐसे आ गया, पैर लाल हो गया पैर। वो देखो गाड़ी पे बर्फ कैसे जम गई है, ये गाड़ी पे पूरी तरह से जम चुकी है। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट करते हैं अंदर, तो उसके बाद फिर मिलते हैं। फिलहाल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, रूम में लेके आए थे क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा, ये सामने गाड़ी और गाड़ी के ऊपर पूरी तरह से बर्फ से ढकती है गाड़ी। ब्रेकफास्ट रूम के अंदर ही करने, रजाई में बैठ के, क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है, अंदर ठीक है, थोड़ी देर बाद बाहर जाएंगे। अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट अब हो गया। मैं गाड़ी दिखाता हूँ अपनी, वो पूरी तरह बर्फ। अब सारा वाइट वाइट होना शुरू हो गया, तो अभी फ़िलहाल कहीं आसपास घूमने नहीं जा रहे क्योंकि थोड़ी स्नो हटेगी, तो उसके बाद मौसम थोड़ा सा क्लियर होगा फिर चलेंगे। फ़िलहाल तो आप अपने होम स्टे के बाहर ही, ये अपना होम स्टे, गर्म कपड़े निकाल लिए। हालांकि स्पीति में इतनी जरूरत नहीं पड़ी गर्म कपड़ों की, सिर्फ जैकेट डाली, लेकिन यहाँ पे सारे जो गर्म कपड़े थे हमारे वो निकालने पड़ गए, कैप वगैरह। तो कितना ही ब्यूटीफुल अभी माहौल हुआ हुआ, ये देखो ये बर्फ, ये देखो सत्य दराज बेटे, ये देखो बर्फ, और देखो सीरत इंजॉय कर रही है। ले 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 बेटा इधर है, ओ पापा बड़ा मजा आ रहा है, एक कम चाय लेके आ रहा है, ले आ चाय, ले आ फिर यार गरम गरम चाय पी। पहले चाय मंगवाई थी लेकिन वो थोड़ी कम रह गई क्योंकि ऐसे मौसम में चाय पीने का बहुत मन करता है, और फिर दोबारा लेके आया कम जाके। ये देख पड़ रही है, कंटिन्यूसली पड़ रही है, थोड़ी देर बाद तो यहाँ सारा वाइट वाइट हो जाएगा, तो इसके बाद अगर हवा चली तो ठंड और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए डिसाइड किया था कि आज यहीं पे रुकते हैं, कल सुबह चलेंगे चंडीगढ़ के लिए। ये बर्फ में खेल रहे हैं स्नो बॉल बना के, चलो तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं आज का ये दिन, क्योंकि स्पीति टूर का ये लास्ट डे था। आज हम वापस जाने वाले थे लेकिन मौसम इतना बढ़िया हो गया, स्नो शुरू हो गई थी, तो हमने यहीं पे रहने का डिसाइड किया। तो थोड़ा सा मौसम अब ठीक होगा तो घूमने जाएंगे, कोई आसपास सिसु है यहाँ पे, वहाँ पे घूमने जाएंगे, कोई एक वाटरफॉल है उसके पास देखेंगे जाने की, पढ़ाई करेंगे वहाँ पे जाने का। फिलहाल तो गाड़ी का आप देख ही रहे हो सारा, तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो लोग बर्फ़ की वजह से लोग घरों में बैठे हैं, यहाँ पर जो लोग तो ये सामने ये गाँव है कोकसर, तो यहाँ अंदर ही बैठे हैं अपनी बुखारी लगा के। तो फिलहाल तो अभी ठंड ठीक ठीक है, जब इसके बाद हवा चलेगी फिर ठंड बढ़ेगी। फिलहाल ये पूरा व्यू कोकसर का, एंजॉय करो मेरे साथ सारा। तो ये आज की वीडियो एक यादगार होने वाली है, बढ़िया होने वाली है, तो आपको सारा दिन दिखाते रहेंगे
यहाँ का। फिलहाल बर्फ़ अब स्लिपरी भी हो रही है, तो ये अभी यहाँ का व्यू हो गया है। पत्थरों पे पूरी बर्फ़ जमी हुई है, पत्थरों पे ये ऊपर एंजॉय कर रहे हैं सारे। रोहतांग शायद बंद हो गया है, हैवी स्नो की वजह से बंद कर दिया, ऊपर जाने नहीं दे रहे। बहुत सामने खड़ी हैं गाड़ियाँ। मौसम बहुत बढ़िया हो गया, बहुत ठंड है। एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय हो रहा है। ये गाड़ी के ऊपर कितनी कितनी बर्फ़ जम चुकी है, तो इसको मैं हटा के दिखाता हूँ आपको। तो कुछ ही देर में इतनी सारी बर्फ़ जो गाड़ी के ऊपर पड़ी है इसको मैं हटा के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये एटमॉस्फेयर आज बना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल डे आज हमारी लाइफ का। गाड़ी स्टार्ट भी करते हैं, गाड़ी स्टार्ट भी हो जाएगी, थोड़ा इंजन गर्म भी हो जाएगा। तो नीचे सड़क तक जाके आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको व्यू गाड़ी से। अभी थोड़ी बर्फ हटाते हैं गाड़ी के शीशों से। आजा किया जा साइड, स्लिप होने लग गया, स्लिपरी होगी, स्लिपरी होगी गाड़ी के, ये भी हार्ड होगी। आगे था वाइपर भी नहीं चलने, फिलहाल तो हीटर चलाया गाड़ी में क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज़्यादा और फॉग जम रही है शीशों के ऊपर जो चल रहा है। बाहर का व्यू आपको गोप्रो से दिखाते हैं क्योंकि अगर कैमरा बाहर निकला तो कैमरे में पानी चला जाएगा, तो इसलिए गोप्रो से शूट करते हैं। बाकी फ़िलहाल मैं अपने होम स्टे से थोड़ा आगे आया था, तो नीचे चंद्रा रिवर बह रही है, नीचे चंद्रा रिवर और ये माउंटेन्स पे बर्फ़ी बर्फ है इस तरफ सारे, ये सारे बर्फ़ी बर्फ और की है। गाड़ी अपनी खड़ी है, वो ठंडा पूरी तरह बढ़ चुकी है, थोड़ा गाड़ी इसलिए लाए थे कि थोड़ी गर्म हो जाएगा इंजन। और ये अब सड़क पे बर्फ़ जम के स्लिपरी हो रहा है, सामने बर्फ़ बहुत ज़्यादा
पड़ रही है। अब मौसम जो पूरा पूरी तरह मौसम हो रखा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं सारा। छतरी मुझे लेनी पड़ रही है क्योंकि कैमरे पे स्नो पड़ रही है। अब थोड़ी स्नो ख़त्म हो गई है, अब बारिश शुरू हो गई है। फिलहाल कैमरा गीला हो रहा है, अंदर चलते हैं, फिर दोबारा चलते हैं होम स्टे की तरफ। रूम में आ गए थे, ठंड हो गई थी, हाथ पैर सुन्न हो गए थे पूरे। अब अंदर बैठ के थोड़ी जाई में एडिट वगैरह करते हैं। स्नोफॉल बंद हो चुकी है, अब थोड़ी थोड़ी धूप भी आना शुरू हो गया, मौसम लगता है कि क्लियर हो जाएगा। नेचर का भी कुछ पता नहीं चलता, कितनी सुबह कितनी स्नोफॉल हो रही थी आपको दिखाया। स्नोफॉल के बाद बारिश हुई और बारिश के बाद अब धूप चढ़ रही है, अब सूरज निकला है, धूप आ गई है और सारी चोटियां चमकने लगी हैं। वो ऊपर कितनी सारी बर्फ़ पड़ी है, इधर इधर साफ़ हो चुका है और इस साइड धूप सीधी पड़ी और बर्फ़ एकदम से मेल्ट हो रही है। टाइम लैप्स लगाया हुआ मैंने, तो उधर बर्फ़ पड़ रही है उस एरिया में, वो रोहतांग का एरिया है, बादल ग्रम्फू साइड वो रोड जाता है, कल हम वहाँ से आए थे, लेकिन उधर मौसम पैक है, उधर बारिश अभी स्नो अभी पड़ रही है। यहाँ तो धूप थी, अब ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी, हवा चल रही है लेकिन अभी फ़िलहाल तो ठंड नहीं लग रही। मैं बाहर आया था पहले, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगा था क्योंकि पैर वगैरह हाथ सुन्न हो गए थे। अब मौसम मौसम हो चुका है दोबारा से, हवा चल रही है, ये देखो फ्लैग से आपको पता चल रहा होगा, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है लेकिन ठंड नहीं लग रही। मैंने कहा अंदर क्यों बैठना, बाहर मौसम को एंजॉय करते हैं। अब थोड़ा सा मौसम और क्लियर हुआ तो सिसु की तरफ जाके आएंगे, नाइट स्टे यही अपना ड्रैगन होम स्टे पे करेंगे। पहले इसका नाम शासनी होम स्टे था, 2015 में भी मैं यहाँ पर रुका था, तब ये नया बना था, तो शायद हम पहले यहाँ पे कस्टमर थे, टूरिस्ट थे जिन्होंने नाइट स्टे की थी 2015 में। तो अब इसका नाम शासनी होम स्टे से चेंज करके ड्रैगन होम स्टे रख दिया। जब धूप चली जाती है तो ठंड लगना शुरू हो जाती है, जब धूप आ जाती है तो मौसम बहुत गर्म हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल इन्जॉय कर रहे हैं इस व्यू को, आपको मैं हर तरफ घुमा के दिखाता हूँ कैमरा। तो ये होम स्टे असल में कोकसर में पड़ता है, कोकसर जहाँ से रोहतांग की जो चढ़ाई लाहौल की तरफ से शुरू होती है, तो लाहौल में ये एरिया है। तो कभी भी आना तो कोकसर में स्टे कर लो, क्योंकि सिसु में काफ़ी कॉस्टली आपको होम स्टे होटल वगैरह मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लेस कर देते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए फिर दोबारा शायद अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि धूप चली गई है और बर्फ़ स्नोफॉल के चांसेस दोबारा हो गए। पंछी क्या चला रहे हैं, पंछी ऊपर आ गए क्योंकि सुबह से बर्फ़ पड़ रही थी तो इनको भी खाना दाना नहीं मिला होगा। अभी चिड़िया वगैरह, एक क्रो होता है यहाँ पे जिसकी चोंच येलो कलर की होती है, वो शायद यहाँ पे अब बाहर आ गए हैं दाना दुना चुगने के लिए, पेट भरना उन्होंने भी। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी आपको यही चीज़ दिखा सकते हैं, थोड़ी देर तक कुछ और नया होगा तो जरूर दिखाएंगे। आपको पहले ही बताया कि हम कोकसर में रुके हुए हैं, तो ये कोकसर में ड्रैगन होम से है, तो यहाँ के जो ऑनर है हम उनको मास्टर जी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत पुराने हमें जानते हैं। वो सुबह तो कहीं गए हुए थे, अभी आए थे, उनसे बातचीत हुई
तो उन्होंने यहाँ कोकसर के बारे में काफ़ी बातें हमें बताई। वो बताएंगे यहाँ पे ट्रैकिंग भी हो सकती है और यहाँ पे सोर्सेज पानी के कहाँ से आते हैं, ये सारा कुछ है। ऊपर मोनेस्ट्री भी है गाँव की, तो ट्रैक करके भी वहाँ जा सकते हैं। बाकी मैं मास्टर जी से बात करवाता हूँ, मास्टर जी हैं तो ये बताएंगे आपको सारा। नमस्कार जी, मैं ड्रैगन होम स्टे का मालिक हूँ। ये ड्रैगन होम स्टे है, कोकसर गाँव है ये। आज सुबह ही स्नोफॉल हुई यहाँ, तो इस वक्त टेम्परेचर 5 डिग्री है, शाम का समय है। तो ये काफ़ी शांत एरिया है ये। तो यहाँ से ये सामने उधर से ट्रैकिंग रूट है ये गोम्पा, यहाँ पे गोम्पा कहा जाता है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। 15-20 मिनट का ट्रैकिंग रूट है। इधर से फिर इस तरफ जाएंगे तो हम पुल के उस तरफ चंद्रा नदी की, उस तरफ ये सामने चंद्रा नदी बह रही है, उस तरफ जाएंगे तो वहाँ भी ट्रैकिंग रूट है। इधर से होकर वो सामने जो झरना दिख रहा है उस तरफ को ट्रैकिंग रूट है। और ये गांव के लिए पानी का सप्लाई वो ऊपर जो बर्फ दिख रहा है वहाँ से पानी का सोर्स वहाँ है, वहाँ से पाइप बिछा करके गांव के लिए सप्लाई होता है यहाँ तक। तो पानी लगातार चला रहता है वहाँ, ज़मीन से ही सोता फूटता है और वहीं पर टैंक लगाया हुआ है, वहाँ से पाइप बिछा कर गाँव के लिए सप्लाई होता है। हाँ जी, मास्टर जी से बात हो रही थी कि मैं इनसे पूछ रहा था कि ट्रैकिंग के लिए, तो इन्होंने बताया कि हाँ जो आपको सामने एक ये पीछे, तो आप जो भी ट्रैकिंग के शौकीन है, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, आओ यहाँ मास्टर जी का ड्रैगन होम स्टे है, यहाँ पे रुको, सुबह ट्रैकिंग शुरू करो, मास्टर जी से बात करो, ये आपको सारा रास्ता बता देंगे। तो बहुत अच्छी प्लेस है, पीसफुल एरिया ये जो कोकसर है। तो लोग ज़्यादातर सिसु जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप गैदरिंग बहुत ज़्यादा है। कोई पीसफुल एरिया चाहते हो तो ये कोकसर बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे आओ, ट्रैकिंग करो, मास्टर जी से मिलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आप, मैं इनका नंबर दे दूँगा, इनकी लोकेशन डाल दूँगा, तो इनसे आप पहले कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मास्टर जी एक और बता रहे हैं, ये जो कोकसर का ब्रिज बना हुआ है, जो पुल बना हुआ ना, इसके ऊपर एक झरना आ रहा है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, झरना आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है और क्या उसका इतिहास है, मास्टर जी उसके बारे में हमें बताएंगे। मास्टर जी ये बताना, ये झरना इधर पीछे इस पहाड़ी के पीछे से, पीछे ग्लेशियर है जमा हुआ, वहाँ से ग्लेशियर का पानी आ रहा है पिघल करके, मेल्ट होकर के, और उसके इस तरफ को जाएंगे आप रोहतांग की तरफ निकल जाएंगे, तो बीच में आपको ब्यास ऋषि का ब्यास कुंड, जो रोहतांग में ब्यास कुंड है, वो असल में ब्यास ऋषि ने तपस्या यहाँ की है और यहाँ पर ब्यास झील है उनकी। जी जी, तो वो ट्रैक है यहाँ से रोहतांग होते हुए, अगर आप रोहतांग से आएंगे तो वो झील देखते हुए कोकसर उतर सकते हैं, अगर कोकसर से जाना है तो इधर से जाकर रोहतांग पहुँच जाएंगे। ये ट्रैकिंग रूट है, एक दिन का ही है ट्रैकिंग। हाँ जी, एक दिन का ट्रैकिंग रूट है। मास्टर जी ने बताया कि एक दिन का ये ट्रैकिंग रूट है, तो जो भी ट्रैकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये बातें तो हमें पता नहीं थी पहले, ये बातों का पता चलता है यहाँ जो लोकल्स हैं। ऊपर झील है, जो ब्यास ऋषि ब्यास जी की वो झील है, आप वहाँ से रोहतांग से भी ट्रैक करके यहाँ उतर सकते हो और यहाँ से भी ट्रैक शुरू करके रोहतांग तक पहुँच सकते हो। तो ये एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी आप इसके बारे में, तो जो भी ट्रैक करना चाहता है तो आके मास्टर जी से बात कर सकता है। मनाली क्या है, मनाली के बारे में बस हमारे माइंड में ये है कि हम मनाली घूमेंगे, उसके बाद रोहतांग हम बर्फ़ देख के थोड़ी देर एंजॉय करके वापस चले जाते हैं। लेकिन रोहतांग के बारे में, रोहतांग क्या चीज़ है, रोहतांग का क्या मतलब है, वो उसके बारे में आज हमें मास्टर जी बताएंगे। इनसे काफ़ी देर बातें हो रही हैं तो काफ़ी कुछ पता चल रहा है हमें मनाली के बारे में, आगे कोकसर के बारे में, यहाँ जो ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं उसके बारे में। अभी वो रोहतांग के बारे में बताएंगे कि रोहतांग का असल में क्या मतलब है। हाँ जी मास्टर जी, ये जरा मैं रोहतांग के बारे में बताता हूँ। तो पहले जब सड़कें नहीं थी यहाँ, तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत कठिन है, तो जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी सामान होता है, राशन इत्यादि, वो मनाली से ही सप्लाई होता था, और दुनिया से संपर्क भी मनाली जाकर ही होता, और वो एकमात्र रास्ता ये रोहतांग का दर्रा ही था। तो इसका नाम यहाँ के लोकल भाषा में है रो और थंग, रोहतांग, रोहतांग नाम से रोहतांग पड़ा है। अभी तो अपभ्रंश की वजह से रोहतांग बन गया है, पहले रो और थंग था। रो का मतलब लाश और थंग का मतलब मैदान, लाशों का मैदान, ये असल में लाशों का। इतने कठिन परिस्थितियों में लोग यहाँ से जाते थे मनाली, और कभी बर्फबारी हवा तूफान में फंस जाते थे रोहतांग में, तो वहाँ पर बहुतों की मौत हुई।
इस वजह से उस रोहतांग का नाम रोहतांग पड़ा है। तो अब धीरे धीरे रोहतांग बन गया है, असल में वो लाशों का मैदान कहा जाता है। बिल्कुल, तो ऐसे हालात में यहाँ पर यहाँ के लोग जीते थे, उसमें सर्वाइव करते थे इस टाइम में। अब तो रोड बन गए तो ये मतलब था रोहतांग का, क्योंकि अब तो बहुत बढ़िया रोड बन गई है। मनाली से आ जाओ आप, इधर से आ जाओ दूसरी तरफ से, बहुत ज़्यादा रोड बढ़िया बन गई है। हर तरह का जीवन यापन का यहाँ पे सामान पहुँचता है अब। लेकिन पहले सर्वाइव कैसे करते थे लोग, उसके बारे में आपको मास्टर जी ने आप बताया। तो शाम के 5 बज चुके हैं, मास्टर जी आए थे, मास्टर जी से बातें हुई जो इस होम स्टे के ऑनर हैं। शिशु हम जा नहीं पाए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। अभी टेम्परेचर 4 और 5 के बीच में था, अभी मैंने चेक किया, वो मास्टर जी ने वहाँ लगाया हुआ है। मैं दिखाता हूँ पहले आपको मास्टर जी ने टेम्परेचर का, ये लगाया हुआ अभी मास्टर जी ने ये दिखाया था टेम्परेचर, ये 5 यहाँ पे पहुँचा हुआ, क्योंकि वो कहीं गए हुए थे सुबह के, शायद त्रिलोकीनाथ यहाँ पे कोई स्थान है, वहाँ पे गए हुए थे वो। तो उन्होंने बताया कितना अभी टेम्परेचर है, और रात को टेम्परेचर और गिरेगा। नाक आज थोड़ी सी बर्फ़ में घूमते रहे बाहर, तो थोड़ी सी आज कोल्ड हो गया थोड़ा सा, तो अभी मैंने ये इसीलिए डाला हुआ। हमारा जो स्पीति टूर था वो बहुत बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। रास्ते काजा से लेके लोसर से लेके जब हम कुंजम टॉप की तरफ आते हैं, उसके बाद चंद्रताल गए, चंद्रताल के बाद हम बातल पहुंचे, चाचा चाची से मिले। बातल के बाद जब यहाँ ग्रम्फू तक हम आए तो रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जिसके पास ड्राइविंग स्किल है और ख़ास करके अगर गाड़ी बड़ी हो तो ज़्यादा बेटर है। मैं तो चलो अपनी गाड़ी ले आया छोटी, तो ज़्यादातर वो अभी तो रास्ते अब वो क्लोज़ हो जाएंगे एक दो दिन में, शायद आज बर्फ़ पड़ी है, शायद वो रास्ता क्लोज़ हो गया होगा। क्लोज़ होने की वजह से अब ये रास्ता तो बंद हो जाएगा यहाँ से ग्रम्फू से जो काजा को जा रहा है। बाकी शिमला से रास्ता काजा का खुला है, वहाँ से अगर कोई आना चाहता है इस सीज़न में तो वो तो अपना वो टूर बना सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेदर। तो ये जो हमारा स्पीति टूर था, इसके बारे में बताएं कि हमने वो चंडीगढ़ से शुरू किया था अपने घर से, उसके बाद शिमला, शिमला के बाद नारकंडा, हाटू पीक, नारकंडा के पास हाटू पीक है, हाटू पीक भी हम गए। तो हाटू पीक की जो चढ़ाई है बहुत तिक्खी चढ़ाई है वहाँ पे, चलो मैं ले गया गाड़ी वहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर लोग टैक्सी लेके जाते हैं, तो कोई हाटू पीक जाना चाहता तो मैं प्रेफर करूँगा कि टैक्सी करके जाए। उसके बाद नारकंडा रुके थे, नारकंडा के बाद हम नेक्स्ट डे टापरी, टापरी से फिर चितकुल गए, सांगला वैली होकर चितकुल, चितकुल से फिर स्पैलो रुके, स्पैलो से नेक्स्ट डे हम हुरलिंग, हुरलिंग नाम की एक जगह थी वहाँ पे नाइट स्टे की। हुरलिंग के बाद ग्यू, वापस ग्यू मनेस्ट्री गए थे क्योंकि उस दिन हम लेट हो गए थे। दोबारा नेक्स्ट डे सुबह हुरलिंग से हम ग्यू गए, ग्यू से फिर पहुँचे ताबू, ताबू हमने, ताबू काफ़ी बड़ा शहर है, वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। वहाँ पे 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है, वो देखो मठ से वो बनी हुई है, ऊपर केव्स भी हैं, होली केव्स हैं, थोड़ा ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, लेकिन वो ताबू से बिल्कुल ऊपर दिखती हैं, नीचे खड़े होकर के देखोगे तो दिखती हैं वो। तो ताबू से हम चले थे, फिर काजा पहुँचे, काजा से काजा में नाइट स्टे की, तो उसके बाद हमने देखा लंगजा, हिकिम, लंगजा जो बुद्धा का स्टैचू लगा वहाँ पे, और हिकिम जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो है वो हिकिम में है। उसके बाद कॉमिक जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक पे जो विलेज है, वहाँ पे भी मोनेस्ट्री है, काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है, वहाँ पे अंदर तो नहीं गए लेकिन क्योंकि हम शाम को थोड़ा लेट हो गए थे। उसके बाद वहाँ से नीचे उतर के की मोनेस्ट्री, की मोनेस्ट्री के बाद चिचम ब्रिज से होते हुए क्याटू, क्याटू से लोसर, लोसर नाइट स्टे की, और लोसर से चल के फिर हम कल पहुँचे थे यहाँ कोकसर में। कोकसर ये आपको पता, यहाँ पे हम कल से रुके हैं, आज की नाइट भी यहाँ पे हम रुक गए क्योंकि सुबह मौसम बहुत बढ़िया था इसलिए। तो ये हमारा जो स्पीति टूर था जो बहुत ही बढ़िया तरह से सक्सेसफुल हुआ, रोहतांग और कोकसर के बीच में
जो ट्रैक के बारे में मास्टर जी ने बताया आपको, अगर वो ट्रैक कोई करना चाहता है वो सारा साल नहीं होता, जब यहाँ पे स्नो कम हो जाती है, थोड़ा मौसम गर्मी का हो जाता है तब वो ट्रैक होता है। और अगर वो ट्रैक कोई करना चाहता है पहले मनाली एसडीएम ऑफिस से परमिशन लेके वहाँ पे सारा फिटनेस वगैरह करवा के उसके बाद वो ट्रैक होता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, उसके बाद ही आप वो ट्रैक कर सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मुसाफिर द लास्ट ट्रैवलर, वीडियो को शेयर जरूर करना आगे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, और जब भी सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन जरूर दबाना। तो कल हम पहुंच जाएंगे सुबह अर्ली चल के कल चंडीगढ़। तो तब तक के लिए शब्बा खैर, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, और ताशी दे है, ताशी दे, ताशी डाले, ताशी दे, ताशी डाले, ताशी दे, ताशी दे, ताशी दे, ताशी दे, ताशी दे, ताशी दे, एक तिब्बतीन जिसे हम नमस्ते बोलते हैं उसमें आज ही मैंने वो वर्ड यहाँ से सीखा जो नीचे हम जहाँ पे खाने खा रहे हैं, असल में वो नेपाल के हैं, तिब्बत के साथ उनका गांव लगता है, तो उन्होंने बोला ताशी दे, ताशी देल, ताशी, ताशी देल, ताशी देल, ताशी देल, शायद मैं ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक दो दिन में सीख जाऊँगा, ये यूज़ करेंगे अपनी हर एक वीडियो में। तब तक के लिए जो दे वास्ते रहो, खुश रहो, अलविदा।